दोस्तों, जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर बनता है तो कोई बादशाह बन जाता है। अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या बनना है, और ये तुम तभी डिसाइड कर पाओगे जब तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू पता होगी। गुजरती हुई एक एक सेकंड की कीमत अगर तुम जानते होगे। टाइम सबके पास बराबर है। कोई सही टाइम पर अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई अपने टाइम को सोशल मीडिया, चैटिंग, शेयरिंग में वेस्ट कर रहा है। आज के इस दौर में सबसे खतरनाक टाइम वेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, जिसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेब सीरीज, रील्स, वायरल वीडियोस ये सब स्क्रॉल करते रहते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बेवजह अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी हेल्थ वेस्ट किए जा रहे हो, जहां से 0% रिटर्न की गारंटी है, फिर भी तुम लोग लगे पड़े हो अपना टाइम वेस्ट करने में। तुम्हारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स स्क्रॉल करने से तुम्हें क्या मिल रहा है? अगर एक घंटा भी रील्स स्क्रॉल करने के अगर तुम्हें कोई 10 रुपए देना तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सोशल मीडिया पर अगर रहना ही है तो अपनी स्किल्स को पॉलिश करो ना, जिनसे तुम पैसे भी कमा सको। एक अच्छा क्रिएटर बनो, अपने फॉलोअर्स बनाओ, कम से कम पैसा तो आएगा। इसलिए ऐसा काम मत करो जिसे करके सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे हो। कुछ ऐसा कर जिससे तेरे करियर को आगे बढ़ाने में कुछ हेल्प मिले। अपने इरादों को मजबूत बना, अपना टाइम मेहनत को दे, समय सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख, और इसकी शुरुआत खुद से सवाल पूछ कर कर। खुद से बार बार ये सवाल पूछ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, आज के 10 साल बाद इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या मैं खुद से यही चाहता हूँ। तू कोई भी काम कर रहा है तब जरूरी है तेरे माइंड को ये पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसलिए खुद से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तब तक खुद से सवाल पूछता रहे जब तक तुझे ये पता ना पड़ जाए कि मेरा इस काम को करने के पीछे का मोटिव क्या है। जवाब मिल जाएगा तो समय की कीमत भी समझ में आ जाएगी। सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, ये सब चीजें तुझे लगातार कमजोर बनाती जा रही है, सोचने की पावर को खत्म कर रही है, तेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करने में क्या जाता है? बस बैठे रहो, देखते रहो, क्योंकि उसे बनाने में कोई और मेहनत कर चुका, तुम सिर्फ देख ही रहे हो, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहां ना तुझे कुछ मिल रहा है, ना तेरा दिमाग काम कर रहा है, तो फिर ऐसी जगह टाइम वेस्ट करने का मतलब है तू अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। क्योंकि तेरी जिंदगी तेरे एक एक मिनट से मिलकर बनी है, और तेरे पास अपनी एक एक मिनट का मोटिव होना चाहिए, एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए कि मुझे इस मिनट में यह करना है। तो जब टाइम को वेस्ट करना शुरू करे ना, उसी वक्त खुद को टोक दे, पूछ ले खुद से कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, क्या ये प्रोडक्टिव है या क्रिएटिव है, क्या ये करना जरूरी है, क्या ये नहीं करूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा। तुझे इन सब का जवाब नो ही मिलेगा। इसलिए अपने दिमाग को अलर्ट रख, अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे कि भाई कुछ ढंग का कर ले। जैसे अभी तू मेरा वीडियो सुन रहा है, 8-10 मिनट का वीडियो ध्यान से सुन भी लेगा ना, तो अगले 20 मिनट तक खुद को चार्ज रखेगा, ये करना है, वो करना है, और फिर भूल जाएगा कि क्या करना है। तो भाई मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तू अपने 8-10 मिनट भी इस वीडियो को देख करके अपनी खर्च करे, या इस वीडियो को देख कर कुछ सीख नहीं रहा। तुझे वही काम करना है जहां से तू कुछ सीखे। अगर सीखने को कुछ नहीं मिल रहा तो इस वीडियो को देखना भी बेवकूफी है। इस वीडियो का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक तुम मेरी बातों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाओगे। तब तक इसे सुन करके 10 मिनट और बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। मेरी बात सुनकर अगले 20 मिनट तक सोचो कि बात तो सही है, लेकिन मैं इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेकर के आऊं? ऐसे खुद में क्या चेंजेस करूं कि जीत फिक्स की एक एक बात से अपने जीवन को सही डायरेक्शन में लेकर के जाऊं? देख, करना तुझे है, मेहनत भी तेरी लगेगी, सक्सेस भी तुझे ही मिलेगी, नाम भी तेरा होगा, टाइम भी तेरे पास है। तो उस टाइम को सोच समझ कर इन्वेस्ट कर। मेहनत लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन तुझे वो मिल जाएगा जो तुझे चाहिए, जो तू एक्चुअल में डिजर्व करता है, जहां तू खुद को अगले 5 साल में, 10 साल में देखना चाहता है, वहां तक बिना मेहनत किए तो कभी नहीं पहुंच सकता। कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने माइंड को इतनी छूट मत दे कि वह तुझसे ऐसा काम भी करवा ले जिसमें तेरा कोई फायदा ना हो। तुझे अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि भाई जीत फिक्स की बात सुननी ही नहीं थी, याद रखकर फॉलो भी करना था, और एक ही दिन नहीं, लगातार कई दिन तक, जब तक कि वो आदत नहीं बन जाए। सिर्फ सुनना मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन वो है जब आपकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि मुझे आज से और अभी से ये करना है, और तब तक करते रहना है जब तक मैं अपने गोल्स को अचीव ना कर लूं। जब तक तुम खुद को मजबूर नहीं करोगे अपनी टाइम वेस्ट करने की आदत छोड़ने को, तब तक तुम्हें मजा आता रहेगा टाइम वेस्ट करने में। कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए अपना कंफर्ट जोन कब का छोड़ दिया था, कब से वो इस आस में है कि उनका बेटा या बेटी मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, हम थोड़ी और मेहनत कर लेंगे लेकिन उनका भविष्य सुधर जाएगा, तो वो अपनी औकात से ज्यादा तुम पर पैसा खर्च कर रहे हैं इसी कारण की वजह से, और तुम शाम होने से पहले ही अपना 2.5 GB डेटा खत्म करके खुद को और अपने माँ बाप को लगातार धोखा दिए जा रहे हो। मन में ऐसी आग हर वक्त लगी रहनी चाहिए कि बस मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना है।
क्योंकि यही आग तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा एक मिनट भी लाखों रुपए से ज्यादा कीमती है। हो सकता है एक मिनट की मेहनत में कुछ नहीं मिले, लेकिन एक मिनट वेस्ट करने से ना तुम बहुत कुछ गंवा सकते हो। अगर आग सच में कुछ करने की, कुछ पाने की है, तो फिर बाकी दुनियादारी के तेरे डिस्ट्रैक्शन अपने आप जीरो हो जाएंगे। अगर तू दिल से सक्सेसफुल बनना चाहता है ना, तो फिर कोई माई का लाल तुझे नहीं रोक सकता। लेकिन जब तक तुम्हारे में वो जुनून नहीं है, वो आग नहीं है, जब तक तब तक तुम्हें आस पड़ोस की हर बात का फर्क पड़ता रहेगा। तुम्हारे पे सोशल मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज तब तक हावी रहेंगे जब तक तुम खुद को अपने गोल्स के लिए स्ट्रिक्ट नहीं करते। खुद को अपनी नजर से देखो कि हाँ, मेरे में इतना तो दम है कि मैं ये कर सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं हो तो भी तुम अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं बल्कि एक शार्प माइंड और टाइम चाहिए। तुम्हारा माइंड कितना शार्प है ये तभी पता चलेगा जब तुम माइंड को काम में लोगे। अपने माइंड को काम में लेकर के तो देखो, अपने स्पेशल पावर्स को काम में तो लो। बेशक तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे अपने एक दौर में, लेकिन आजकल माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, जंग लगा कर बैठे हो। कई महीनों और कई सालों से कुछ नया किया ही नहीं है, बस खुद के हाथों समय को, समय के हाथों खुद को बर्बाद किए जा रहे हो। बहुत सारे लोग तुम्हें ये कहते होंगे, यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट होते थे पहले, तुम्हारी तो यार जॉब ही नहीं लगी, तो फिर हमारा क्या होगा। वो ऐसे नहीं कहते ये बात, उन्होंने देखा है तुम्हें स्कूल या कॉलेज टाइम पे टॉप करते हुए, लेकिन आज की तारीख में तुम उद्देश्यहीन हो। टारगेट बनाने बंद कर दिए, सोचना बंद कर दिया, मेहनत करना भी बंद कर दी, क्योंकि तुम अपनी माइंड की असली स्ट्रेंथ को भूल चुके हो। अपने आप बैठे बैठे किसी का सही समय नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद में आग लगा के रखनी पड़ती है, तपना पड़ता है। अपनी लाइफ का एक ऐसा बड़ा टारगेट बनाओ जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़े कि तुम्हारा एक एक सेकंड अपने टारगेट के लिए खर्च हो। याद रखो, सिर्फ कागज पर लिखने से और एक बार सोचने से अपना लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तुझे यह करना है मतलब करना है, बस ये डिसाइड कर ले। जब तक तू खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तब तक कोई और तेरा टाइम वेस्ट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तुझे देखकर और तुझे सोचकर ही लोगों के मन में ये ख्याल आना चाहिए कि यार पता नहीं उसके पास टाइम भी है या नहीं, क्या पता वो मेरे साथ जाएगा या नहीं, मेरी बात मानेगा या नहीं, मेरा फोन उठाएगा या नहीं। इसलिए किसी को अलाउ मत करो, इवन खुद को भी अलाउ मत करो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। एक मिनट वेस्ट करने पर भी खुद को पनिश करो। शांति से बैठकर सोचो कि अगर तुम मैक्सिमम मेहनत करोगे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की सक्सेस क्या हो सकती है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है, तुम क्या क्या कर सकते हो, कहां तक पहुंच सकते हो। बस एक बार वहां तक पहुंच जाओ, एक काम फिनिश कर लिया तो दूसरा शुरू करो, रुकना नहीं है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं आता और ना ही आना चाहिए कि यार मैंने तो जो करना था कर लिया, अब मैं आराम से बैठ जाता हूँ। बारीकी से सोचना शुरू कर। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे गोल्स और टारगेट में भी पावर होनी चाहिए। एनर्जेटिक टारगेट्स होंगे तो मेहनत करने का मन करता रहेगा। बड़ा करने की सोचो कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और ऐसा काम करूंगा कि पहले किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, ना सोचा होगा। अगर टारगेट्स में पावर रहेगी ना, तो तुझमें उसको करने की पावर भी आएगी। ऐसे नहीं सोचना कि हाँ यार ठीक है, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, थोड़ी मेहनत से काम चला लूंगा, जीवन तो चल ही रहा है ना। भाई जीवन सबका चल रहा है, इलोन मस्क का भी चल रहा है और तेरा भी चल रहा है, लेकिन तू देखना कितना डिफरेंस है। तू समय और पैसा बर्बाद करके जीवन काट रहा है, और इलोन मस्क टाइम मैनेजमेंट और टाइम इन्वेस्टमेंट करके जीवन जी रहा है, नाम ब्रांड और पैसा छाप रहा है। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। दोस्तों जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। सिर्फ पैसा अगर मायने रखता ना, तो जेफ बेजोस कभी का काम करना छोड़ चुका होता, लेकिन उन्होंने फिर भी काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मेहनत की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी और कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो इससे भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। अपने टाइम को अपने गोल्स के लिए स्मार्टली इन्वेस्ट करो। बहुत बड़ा सोचने के लिए बहुत बड़ा और महान होना जरूरी नहीं है। एक साधारण आदमी अपनी बड़ी सोच, शानदार मेहनत के दम पर एक महान आदमी बन सकता है। डिजर्विंग बनाओ खुद को, खुद पर मेहनत करो, महान लोगों से सीखो, क्योंकि वो जन्म से महान नहीं है, वो अपने कर्म से महान बने हैं। बिना रिसोर्सेज के बहुत गरीबी में भी उन्होंने वो सब करके दिखाया जो वो करना चाहते थे। टाइम इज द करेंसी ऑफ योर लाइफ। क्या तुमने कभी ये सुना है कि उसके बाद बहुत पैसे थे और आजकल वो अपने पैसे जला रहा है? नहीं सुना होगा, क्योंकि लोग पैसों की कीमत समझते हैं लेकिन समय की कीमत नहीं समझते। एक मिनट पर मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एक एक नोट जोड़ करके एक मिनट नहीं कमाया जा सकता। समय पैसों से लाखों गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी समय रहते तू समय की कद्र करेगा, उतना ही समय भी तेरी वैल्यू बढ़ा देगा। समय बर्बाद करते करते एक समय ऐसा आएगा जब तेरे पास रिग्रेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तेरा समय जा चुका होगा। एक सही समय पर की गई मेहनत ही तुम्हें महान बना सकती है। समय निकलने के बाद ये सोचना यार अब कर लेता हूँ, तब तुम्हारे पास चारों तरफ से प्रेशर होगा इस बात का कि पिछले 10 साल में तुमने कुछ नहीं किया और अब क्या करोगे। इसलिए समय रहते संभल जाओ और अभी की मेहनत अभी ही कर लो। टाइम के साथ अय्याशी मत करो।
अय्याशी करना है तो पहले अय्याशी करने के लायक बनो, अपनी औकात बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ, अपना लेवल बढ़ाओ। बहुत फर्क होता है एसी में बैठकर मेहनत करने वालों में और एक तपती दोपहरी में खेत में काम करने वालों में। हो सकता है खेतों में काम करने वाले को आउटपुट कम मिल रहा हो, वो कमा कम रहा हो, लेकिन उसे अपनी एक एक मिनट की इम्पोर्टेंस पता है। और वही जिनके पास एसी है, सुविधाजनक एनवायरनमेंट है, उन्हें पूरा दिन वेस्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने धूप का दर्द कभी सहा ही नहीं। अपने कार्यों में निष्ठा रखो, डिवोशन रखो, पेशेंस रखो। अगर तुम्हें आज मेहनत करने के लिए टाइम मिल रहा है ना, तो उसे प्रीशियस गिफ्ट समझो। बहुत लोगों को तो एक सही समय पर एक सही अवसर नहीं मिलता। तुम्हें मिल रहा है ना, तो इसका फायदा उठाओ, वेस्ट मत करो इसको। सपनों का पीछा करो और समय की कीमत को समझते हुए मेहनत करते रहो। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जो आज करना है उसे आज ही करो। गलतियां हो रही है ना, तो उनसे भी सीखते रहो। फेल हो रहे हो तो हार मत मानो, उस पर फिर से मेहनत करो। खुद को साबित करने का खुद को मौका दो, अपनी तरफ से 100% दो। यही समय है जो तुम्हारी काबिलियत को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकता है। टाल मटोल करना, बहाने बनाना बंद करो। अपने करियर, अपने स्किल्स को ऐसे अपग्रेड करो कि अगर सो भी रहे हो ना, तो तुम्हारी मेहनत का कुछ ना कुछ आउटपुट तुम्हें मिल रहा है। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मोटा मोटा निष्कर्ष ये है कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना है या फिर अमीर बनना है, तो आपको वही काम करना है जहाँ से आपको पॉजिटिव आउटपुट मिले, जिसका कुछ मीनिंग निकले। और इसके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग करके अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ खुद से वादा करना होगा कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ। ये करने से पहले मैं हार नहीं मानूंगा और यह बात मैं हर वक्त याद रखूंगा। अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो मुझे बनना है वह बन करके दिखाऊंगा। जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ और वहाँ तक पहुँच कर ही मैं मानूंगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।